देश के और विश्व के इतिहास में पहली बार सैनिकों को निहत्थे भेजा, जहां उनके साथ तलवार, भाले और लोहे की राड़ों से मारपीट की गई, तारों से उनको लपेट कर भेजा गया। यह बात पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीहोर में प्रेस चर्चा के दौरान कही। देश के और विश्व के इतिहास में पहली बार सैनिकों को निहत्थे भेजा गया, जहां उनके साथ तलवारों, भालों और लोहे की राड़ों से मारपीट की गई, तारों से उनके लपेट कर भेजा गया। वहां उनके साथ यह घटना हुई है, लेकिन इस बात की भी जांच होना चाहिए हमारे भारत के सैनिकों को निहत्था भेजना क्या कारण है। मुझे इस बात का दुख है कि प्रधानमंत्री ने आज तक इस बारे में कोई बात नहीं की। यह बात पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीहोर में प्रेस में चर्चा के दौरान कही। गुरुवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सीहोर प्रवास पर थे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं के महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया, साथ ही प्रसिद्ध चिंतामन गणेश मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के वीडियो एडिटिंग मामले में श्री सिंह ने कहा कि भाजपा मुझसे दुखी रहती है, जिसका यह है कि मैं उनसे दबता नहीं हूँ। उनका एक जो चरित्र है घोष धपत और इस प्रकार देख लेंगे, निपटा देंगे, मैं इनसे डरता नहीं हूँ। मैं पिछले 40 सालों से इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं किया और मुझे कभी भी यह भ्रष्टाचार के किसी भी मामले के दबा नहीं पाए। स्वाभाविक है, जो निडर रहता है उसे दुश्मन डराती रहती है। कहा कि विदेश नीति असफल रही है, क्योंकि 4 बार मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में और 5 बार प्रधानमंत्री के रूप में चीन गए, और उसका श्रेय ये रहा कि 55 साल बाद पहली बार हमारे LSC उस पर इस प्रकार की घटना हुई है कि हमारे 20 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान से हमारा विवाद है कि सही, अब नेपाल ने भी अपने नक्शे में शामिल कर लिया और कानून बना लिया। 6 साल में मोदी की विदेश नीति असफल रही है। अध्यक्ष उन्होंने शादी के लिए वकील साहब कांग्रेस उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ कलेक्टर से मिलने के लिए समय मांगा तो नहीं दिया, उन्हें प्रभारी मंत्री देगा तो समय दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, यहीं से फोन करा मोबाइल से। हम सब लोग प्रभारी मंत्री जी ने बहुत बुलाया साहब, ठीक है, टाइम ही नहीं ये सब सरकार से मेन बात है, सरकार में काम करना है तो हमें दृढ़ता से सामने खड़े होकर काम करना पड़ेगा। ये वही SP साहब और कलेक्टर साहब हैं कि हमारे प्रभारी मंत्री के बगल में बैठते थे, कुर्सी वो ऐसे बिठाते थे देखो वो, तो और उसके बाद हम नीचे बैठे, कोई मंत्री ने प्रभारी मंत्री को कलेक्टर SP के साथ रखना तो जरूरी होता है। नहीं मगर साहब बगल में बैठाना, कांग्रेसियों को नकली बना रहे हैं, वो नकली को असली बना रहे हैं, वो कि ये सब नकली है। लड़ाई लंबी है। मोदी जी 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में और 5 बार प्रधानमंत्री के रूप में चीन गए, और उसका हश्र ये रहा कि 55 साल बाद पहली बार हमारे LSC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है LOC उस पे इस प्रकार की घटना हुई है, जहां हमारे 20 सैनिक मारे गए। ये गंभीर विषय है और इस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हमारी विदेश नीति सही थी कि नहीं थी। आज पाकिस्तान हमसे तो हमारा विवाद है ही, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि नेपाल ने कानून पास कर दिया कि जो हमारे भारत की जमीन को उन्होंने अपने नक्शे में शामिल कर लिया और कानून बना दिया, और प्रधानमंत्री जी चुप है। बांग्लादेश के साथ भी संबंध हमारे अच्छे नहीं, श्रीलंका के साथ भी अच्छे नहीं, मालदीव के साथ भी अच्छे नहीं, जब सारे पड़ोसी और चीन के साथ हमारे संबंध बिगड़ ही गए, सारे पड़ोसी हमसे आज हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, जबकि अटल जी कहते थे इस बारे में कि हमको पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास अपना पड़ोसी चुनने का अधिकार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मोदी जी की 6 साल की ये जो विदेश नीति है ये पूर्णतः असफल रही है। एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हर महीने 2 महीने में निकल पड़ते हैं, और इतनी बार कोई प्रधानमंत्री विदेश में दौरा नहीं किया होगा जितना इन्होंने किया, लेकिन नतीजा क्या है? 0। आज भारत अकेला पड़ गया है, और कहीं ट्रंप साहब आंखें दिखा देते हैं तो कभी चीन के लोग दिखा देते हैं, तो ये पूरी तरीके से असफल रही है। ऐसा है
मंदिरों में केवल लेने के लिए नहीं आते हैं, ये आस्था का प्रश्न है और आस्था जो है यही हम लोगों की एक ऐसी हर व्यक्ति में होना चाहिए जिससे हम सारी विघ्नों को दूर कर सकें। चीन को लेकर आदरणीय राजा साहब, बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं और विपक्ष है कि पहली बार देश के इतिहास में, विश्व के इतिहास में सैनिकों को निहत्थे भेजा गया और जब निहत्थे भेजा गया तो वहाँ उनके साथ तलवारों से, भालों से, लोहे की छड़ियों से उनके साथ मारपीट की गई, तारों से उनको लपेट के पीटा गया, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है। हम निंदा करते हैं लेकिन इस बात की भी जांच होना चाहिए कि आखिर हमारे भारत के सैनिकों को निहत्था भेजने का क्या कारण है। मुझे इस बात का दुख है कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक इस बारे में कोई बात नहीं की। सर, आप जैसे इतने प्रतिष्ठित जिन्हें कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से आपको सर पूरे वीडियो वाले मामले के अंदर तो कायम किया, सर कितने दुर्भाग्य का। मुझसे बहुत दुखी रहती है भाजपा, कारण ये है कि मैं उनसे दबता नहीं हूँ। उनकी एक उनका जो चरित्र है धौंस दपट और इस प्रकार का, देख लेंगे निपटा देंगे, मैं इनसे डरता नहीं। मैं पिछले 40 साल से इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, कभी मैंने अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं किया और मुझे कभी भी यह भ्रष्टाचार या किसी मामले में दबा नहीं पाए। तो स्वाभाविक है जब कोई निडर रहता है तो उससे दुश्मन डरता ही है। विदेश नीति